अब खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां सनगांव के सिंधवाल गांव में लोग सड़क की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी समस्या सुनने के लिए केवल प्रशासन के लोग आ रहे हैं, शासन स्तर पर उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का संतोषजनक आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। नहीं नहीं, मेरे को भी अभी पता लगा, तो मैं तो इन तीनों ग्राम सभा के लोगों के समर्थन में यहाँ आया हूँ। बड़ा दुख होता है कि हम उत्तराखंड की राजधानी में रह रहे हैं और यहाँ पे आज लोग सड़कों के लिए मतदान का बहिष्कार करने को तैयार है। बहुत दुख की बात है। ये काम ऐसा था, मैं समझता हूँ कि 5 हेक्टेयर तक की जो स्वीकृति है राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मात्र 2.5 हेक्टेयर की के आसपास की जमीन का ट्रांसफर होना था। पता नहीं क्या कारण है, किस कारण से इन्होंने केंद्र को फाइल भेजी है। इनकी अपनी लापरवाही है, जिस कारण आज ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे भी जो है 5वां साल यहाँ पर हो गया है और हर जिला पंचायत की हर कार्रवाई रजिस्टर में हमने जो है हर बार जो जितनी बार जिला पंचायत की मीटिंग होती है, हमारी एक ही मांग थी कि शहर से इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हमारे 8-10 गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक सड़क नहीं गई है। आज़ादी, अभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य कह रहे थे, वाकई बात सही है कि आज़ादी के 76 साल में हम पहुँच चुके हैं और एक से एक महोत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव वासियों को आज तक रोड नहीं मिली है। तो मेरा मानना है कि भाई पहले तो हम भूल कर चुके, दो दो मुख्यमंत्री को इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि भाई इन क्षेत्रों को आज अगर हमने नहीं जोड़ा तो कभी भविष्य में जुड़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी समय है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होता है कि VIP आते हैं, VIP आने के चंद दिनों में ही सड़क बन जाती है। इस संबंध में वन विभाग और PW विभाग द्वारा में हमारे साथ राजस्व विभाग के साथ पहले भी 1 तारीख को एक स्थलीय जांच की गई। स्थलीय जांच में पाया कि इन्होंने एक पत्र दिया जो कि भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए चला गया है। तो फिर 2 तारीख को ये लोग सनगांव के प्रधान और सिंधवाल प्रधान SDM साहिबा के पास आए। उन्होंने कहा कि CDO साहब से वार्ता करवा देंगे, एक दिन तय कर लीजिए, इस संबंध में तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यही है, आज की डेट में क्या है? आज हम बता देंगे कि वार्ता अगर करनी चाहे तो वार्ता कर लें, हमारे SDM साहिबा से मिल लें और वार्ता के लिए हम समय दे देते हैं। जब ये चाहें तो वार्ता करवा देंगे, अगर वैसे ही बैठे रहेंगे तो निदान तो होने से रहा, तो किसी समस्या का निदान तो तभी संभव है अगर वार्ता करें सरकार से। सनगांव, सिंधवाल गांव और नाहीकला 3 पंचायतों के लगभग दर्जन भर मजरों के लोग हैं, जिन लोगों ने अब अंतिम निर्णय पे आ गए हैं कि हमें अगर सड़क नहीं दे सकते तो हम वोट बहिष्कार के लिए तत्पर रहेंगे। लास्ट अंतिम युद्ध स्तर पर इस वक्त उतर चुके हैं। अभी तो ये सांकेतिक है, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद अनशन पर बैठने के लिए सब तैयार है। कितनी परेशानी होती है जनता को? साफ लगाइए ना, आज़ादी के आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें सरकार ने हमें 2002 में भी इसका सर्वे हुआ था, सनगांव से नाहीकला सतेली होते हुए 27 किलोमीटर सर्वे करवाया था, तब ये सड़क धरातल पे नहीं आई। फिर उसके बाद हमने 2011-12 तक वो सर्वे चला, उसके बाद सर्वे कैंसिल हो गया था उसके आगे। फिर दोबारा 2017 में त्रिवेंद्र रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शासनादेश भी जारी करवा दिया सड़क के लिए। सनगांव से नाहीकला जो 11 किलोमीटर बनना था उसका शासनादेश हो चुका था, और उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस आज भी शासन में लंबित पड़ी है। सड़क 7 साल हो गए हैं। आप खुद देखिए ना कि आप नरेंद्रनगर विधानसभा में अगर जाएंगे तो उसमें PWD तो छोड़िए, आप विधायक निधि से इतनी रोड़ें कट गई हैं जिसमें कि फॉरेस्ट